अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। और मेरे घर के आसपास ना यहाँ पे बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं, काम चल रहा है। तो यहाँ पे कोई काम चल रहा है तो मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। तो यहाँ पे ट्रैक्टर आया हुआ है तो अभी चलते हैं। आज मेरे यहाँ बहुत ही टेस्टी वाली चीज़ बनी हुई है, दिखाती हूँ। तो यहाँ पे बनी है इस 100 साल पुरानी कढ़ाई में कढ़ी। किसको किसको कढ़ी पसंद है आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस चावल में ना मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ, तो इस चावल में इस टाइप का जो चावल हुआ करे ना, देखिए इस टाइप का जो राइस हुआ करे ना, और इसमें ना इस टाइप का जो चावल होता है ना वो हटा दिया करिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है और पता नहीं ये प्लास्टिक का है क्या है। तो इस टाइप के हटा दिए, क्योंकि ये नॉर्मल चावल से ना बिल्कुल अलग है। तो मैं इसको हटा देती हूँ और आप लोग भी कोशिश करा करिए तो ध्यान से इन सब चीज़ों को हटा दिया करिए। चाह रही हूँ मैं इसमें चावल, तो इधर मैंने ये चावल चढ़ा दिए और अब मैं जा रही हूँ ये अभी खाने के लिए, ठीक है? तो इसको अच्छे से धो लेते हैं। तो अब इसको हम कट करेंगे और नमक मिर्च के साथ इसको खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको कट कर लिया है और इसका स्वाद ना तो यहाँ पे साफ सफाई हो गई है। अब तो धूप तो चली गई है ना, चप्पल पहन लो मगर। तो इस टाइम धूप थोड़ी सी चली गई है, बादल कितने अच्छे लग रहे हैं, हम गिर जाते, बादल कितने अच्छे लग रहे हैं। अभी मैंने ये वीडियो अपलोड किया हुआ है, मैं भी अपने ब्लॉग देख रही हूँ। काफ़ी मज़ा आता है कि पहले ब्लॉग जब बना हो ना तो वो समझ नहीं आता कि हम क्या बोल रहे हैं, और उसके बाद जब देखो ना तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, बड़ी मज़ा आती है देखने में फिर वीडियो। यहाँ अच्छी अच्छी वाली बेडशीट बिछ गई है, हम जा रहे हैं खाना खाने। मौसम देखिए कितना ज़्यादा मस्त है, देख सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा मस्त है मौसम। यहाँ पे पाइप आई थिंक सही हो गया है, दिख नहीं रहा है इधर से। और इस टाइम मौसम ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सुबह से बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी और 2 से 2.5 बजे धूप बिल्कुल चली गई और खूब बादल बादल हो गए थे। तो आप ये देख सकते हैं असल का टाइम कम्प्लीट हो गया है और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा मौसम हो गया है और ऐसे ही अल्लाह पाक की रहमत हम लोगों पे बरसती रहे। और इतना अच्छा मौसम हो गया ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। ये वो जो पाइप टूट गया था ना अभी दिखाया था, तो उसके लिए ये पाइप मंगवा लिए सामान, ठीक है? तो आप चलते हैं असर की नमाज़ पढ़ने के लिए। और इतना अच्छा मौसम हो गया, मन कर रहा है पकौड़े बनाएँ। ये लहसुन प्याज ये मम्मी पीसने जा रही हैं मिक्सी से, और ये दाल जो उड़द की दाल होती है उसको पीस लिया है, और जैसे कि दही बड़े बनते हैं ना तो वैसे ये वाली सब्ज़ी भी बनती है, ठीक है? तो ये फटाफट से करते हैं। और यहाँ पे लस्सी है, आप लस्सी लाते हैं मम्मी, ये गिफ्ट। पहले आप पी लीजिए वरना आप मेरी बहन बन जाएंगी। और है मेरी भी सही।
अम्मी कैसे अच्छा हो रहा है, ईमानदारी होनी चाहिए ऐसी। और यहाँ शाम के टाइम मैं ना चावल रख देती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे चिड़िया इंतज़ार करती हैं। और यहाँ पे सब अपने छतों पे पानी और चावल ज़रूर रखा करिए, जिससे इन लोगों को भी एहसास हो गया हाँ ये भी हमारे परिवार का एक हिस्सा ही है। और यहाँ का मौसम ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और रोड की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर दी है। शाम हो रही, चलते खाना पकाने के लिए। तो दाल को अच्छे से पीस लिया था, ठीक है, तो अभी थोड़ी देर हम लोग टहलने गए और अब खाना बनाने की तैयारी करनी है, तो फटाफट से ये खाना बनाते हैं। तो जैसे पकौड़ियाँ तली जाती है ना, तो वैसे इसको भी हम फ्राई करेंगे, तो इस टाइप से इसको एक एक पकौड़ी इसको हम फ्राई करेंगे। तो जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको करना है, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, फ्राई हल्का हल्का फ्राई करना है। फिर मेथी से इस सब्ज़ी को फ्राई करेंगे और इसमें धनिया, हल्दी, मिर्चा, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको ऐड करेंगे। जिसको किसी किसी को मिर्चा ज़्यादा अच्छा लगता है और किसी किसी को नमक, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है। और यहाँ पे अच्छे से इसको फ्राई कर लिया है और ये थोड़ा सा ऐसे रेड रेड थोड़ा सा हो जाएगा ना, तो इसमें फिर हमने ये अच्छे से फ्राई हो गया तो हल्का सा इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया था। और फिर इसमें ऐसे सब्ज़ी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसकी ग्रेवी है। तो ये हम लोग जा रहे हैं लकोचे, इसको बोलते हैं लकोचे और पकौड़ियाँ भी बोलते हैं, और जो कि ये दाल से बनी हुई है। और अब जा रहे हैं खाना खाने।